हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिमा जबलपुर से। वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा गार्डन। तो दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये है अश्वगंधा का पौधा, जो कि औषधि पौधा है। अश्वगंधा का पौधा पूरे भारत में और ख़ासकर सूखे प्रदेशों में पाया जाता है। कई बार तो ये अपने आप भी उगाता है। औषधि होने के कारण इसकी खेती भी की जाती है। दोस्तों, बात करूं इसकी देखभाल की, तो अश्वगंधा के पौधे की अच्छी फसल के लिए समय समय पर खरपतवार नियंत्रण करते रहना चाहिए, ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो। और निराई गुड़ाई तो ज़रूरी है ही हर पौधे के लिए, और गोबर और पत्तियों की खाद समय समय पर देते रहना चाहिए। मैं तो महीने में एक बार पत्तियों की खाद इसमें डाल देती हूँ। इस पौधे में पानी ही काफ़ी कम लगता है, कम पानी ही इसमें दें तो अच्छा रहता है। अश्वगंधा पर जल्दी कोई रोग व कीट नहीं लगता। साधारण कीट मिलीबग आदि ही इसमें लगते हैं, और उसे हम नीम की खली और गोमूत्र से बनी कीटनाशक जो लिक्विड होता है, उससे डालकर इसके प्रकोप को ख़त्म किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके औषधि गुण की। तो दोस्तों, इस पूरे पौधे के जड़ से लेकर पत्ती, तना, बीज, फूल और फल, सभी में अलग अलग तरह की बीमारी ठीक करने के गुण होते हैं। दोस्तों, इस पौधे में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुणों के साथ और भी कई पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद ऑक्सीडेंट आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसे आप तुलसी पुदीना की तरह आसानी से लगा सकते हैं। इसके फायदे अनेक हैं दोस्तों। यह ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, कैंसर से लड़ने में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करता है, तनाव को दूर करता है, एंजाइटी दूर करता है, और तो और दोस्तों, कब्ज की बीमारी, गर्भधारण से संबंधित रोग, खांसी के रोग, छाती के दर्द, ल्यूकोरिया में और इंद्रिय दुर्बलता में, टीबी रोग में और गले के रोग, गलगंड में भी इसके इलाज में काम में आता है। और दोस्तों, आँखों से संबंधित रोग में भी काम में आता है, आँख की ज्योति बढ़ाने में, सफ़ेद बाल की समस्या हो तो उसमें भी ये फ़ायदेमंद इसका इलाज हो सकता है। पेट की बीमारी, गठियावात, त्वचा रोग, रक्त विकार और बुखार उतारने के लिए भी इसका उपयोग होता है। शारीरिक कमजोरी को दूर करने में भी सहायक है अश्वगंधा। तो दोस्तों, बहुतेरे गुण हैं इसमें, बहुत सारी बीमारियों में काम में आता है। तो इतना उपयोगी पौधा आपके गार्डन में तो होना ही चाहिए दोस्तों। आप भी अपने गार्डन में इसको लगाएं और इससे फ़ायदे पाएं। तो मिलती हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।